ये ट्रेड्स पूरे मतलब जो डीलर्स के आई थिंक स्टॉक्स थे वो आपके स्क्रीन पे हैं, जहाँ डीलर्स एक मूव के एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, आदित्य बिरला कैपिटल और ल्यूपिन। अब एक काम करते चलते हैं ट्रेड्स पर जो कि हम कल के लिए कैरी करेंगे ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए। शिल्पा जी, क्या कैरी करेंगे आप? वीरेंद्र जी, मैं आईसीआईसीआई जीआई के साथ ही कंटिन्यू करूंगी। स्टॉक काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है, अभी ऊपर भी है, लेकिन मुझे लगता है 1720-1730 आपको कल तक आनी चाहिए। आईसीआईसीआई जीआई में यही हुआ था, मैं कुछ देर पहले ट्रेड भी पिक किया गया था और अब ये ऑलमोस्ट हाई पर ट्रेड करता हुआ। मानस, आप क्या करेंगे कैरी? तो देखिए, मेरा ध्यान लुपिन पे है, जहां पर स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दिया है, तो लुपिन में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 1665 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1750 के टारगेट सेट करने, ये कैश लेवल्स है। बाय साइड का ट्रेड लुपिन में आता हुआ। कावा साहब, आपका ट्रेड? अरे, मुझे पसंद है पिडलाइट। पिडलाइट पे तेजी लगती है, 2965 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप ऑर्डर 2950, ज्यादा नहीं, ऑन द अपसाइड 3050 एक पॉसिबिलिटी है पिडलाइट। राजेश पालवी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो आशिता जी, हमें लगता है यहाँ पे फेडरल बैंक को बाय किया जा सकता है। फेडरल बैंक में जिस तरीके से फॉर्मेशन है, हमें लगता है यहाँ पे मोमेंटम 168-170 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 160 के आसपास। ये फिलहाल एक बाय साइड का ट्रेड। सातपुते जी, आपका ट्रेड बचा है? हर्षदा जी, देखिए, मैं कोलगेट को लेके जाऊंगा। मुझे लगता है कोलगेट में क्लियर ब्रेकआउट हुआ है। अकॉर्डिंग टू स्विंग ट्रेड, इसका टारगेट होना चाहिए 2920 से 2940। बाय करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस होगा 2810 का। ये फिलहाल कोलगेट में एक बाय ट्रेड आता हुआ। क्लियरली सारे ट्रेड्स जो है वो तेजी की तरफ ही हमारे जानकार इस समय आइडेंटिफाई कर रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा चुनावी रंग स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि आज देखिए एक और चरण में मतदान शुरू हो चुके हैं और आज शाम को पीएम मोदी बनारस में एक रोड शो भी करने वाले हैं। कल ऑफ कोर्स नामांकन करेंगे। पीएम के स्वागत के लिए भव्य तैयारियों की गई हैं। सीधे बनारस चलते हैं।